बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ईटा पोरी टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं CTIT का पेपर, यानी इस्लामियात वाइट। इस पेपर पर लिखा है तो ये पेपर आज यानी 23/1/2021 को ये पेपर हो चुकी है, यानी इसका मैं इंग्लिश पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर इज़ द ब्रिज ब्लैंक द रेवरा। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रेवर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, यू कैन यूज माई नाइफ टू कट इट विद। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर इज़ अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, यानी इस क्वेश्चन में तकरीबन पेयर ऑफ वर्ड्स दी गई है, तो इसका आपने सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड्स ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन नंबर फोर है ग्रेन रेशो साल्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चिप ग्लास, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है, यानी करेक्ट ऑप्शन इज अ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, पेन सेडेटिव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी ग्रीप कंसोलेशन। तो इसमें सही ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लाइट ब्लाइंड। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी स्पीच डम। इसमें सही ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, यानी आपने इन वर्ड्स का अपोजिट वर्ड्स मालूम करना है, यानी मुतजाद लफ्ज़ ढूंढना है। फ्रेंडली, फ्रेंडली का जो मुतजाद लफ्ज़ है वो है ऑप्शन सी, यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी हॉस्टाइल, यानी हॉस्टाइल इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, वाइडली। वाइडली का मतलब है वसीया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी नैरोली। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, डिस्पेरेज। डिस्पेरेज यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रेजा, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपने इन नीचे दिए गए ऑप्शन में सिमिलर मीनिंग का वर्ड्स ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर टेन, एम्पली। एम्पली इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी सजेस्ट, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन, हॉस्टल। हॉस्टल का जो सिमिलर वर्ड्स है वो है बिजी, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, कस्टम। कस्टम का जो सही यानी नियरेस्ट मीनिंग वर्ड्स है वो है हैबिट, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।